नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। देश दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। दार्जिलिंग देश दुनिया का जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन केंद्र है और दार्जिलिंग में भी पर्यटन व्यवसाय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन एवं विभिन्न राजनीतिक दलों को लेकर कल एक बैठक संपन्न की गई थी। आगामी 1 जुलाई से संपूर्ण होटल, होमस्टे एवं GTA पर्यटन स्थलों को पूर्ण रूप से खोले जाने की निर्णय ली गई है। इस बीच इस विषय पर अधिक जानकारी पत्रकार सम्मेलनकार GTA के टूरिज्म डिपार्टमेंट डायरेक्टर सूरज शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि GTA क्षेत्र के विभिन्न प्रवेश स्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा पर्यटकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पर्यटकों को अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इस बीच यह तय हो गया है कि दार्जिलिंग में अब पर्यटकों की आवाजाही 1 जुलाई से शुरू होगी। कोविड को संक्रमण काल चली रहे लॉकडाउन यति महिनासम्म हामी लकडाउनमा बस्यौँ र लकडाउन पोस्ट लकडाउन सरकारले पनि अब अनलकको प्रक्रिया सुरु गरेपछि जनजीवन स्वाभाविक हुँदै गएपछि दार्जिलिङको पर्यटन पनि स्वाभाविक बनाउनलाई प्रशासनिक बैठक डाकेर GTA त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस अरू राजनैतिक दलहरू सँग पनि बैठक गरेर एउटा निर्णयमा आएका छौँ कि आगामी 1 तारिकदेखि केन्द्र सरकारको निर्देशलाई पालन गर्दै केन्द्र सरकारले दिएको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजियर SOPलाई पालन गर्दै होटेलहरू अनि पर्यटन केन्द्रहरू 1 तारिकदेखि फेरि खुल्ला राखिने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित भएको छ र यस अवस्थामा होटेलहरूलाई रेस्टुरेन्टहरूलाई गर्नुपर्ने अनि नगर्नुपर्ने जति पनि गाइडलाइन छ सरकारले बनाएर दिएको छ र त्यो अनुसार सरकारको गाइडलाइनलाई पालन गर्दै होटेलहरूले 1 तारिकदेखि आफ्नो होटल खोल्ने निर्णय लिएको छ र आगाम सरकारको निर्णयअनुसार सबै खोलिने भएको छ। त्यसैले नि अब जो होटल नै खोलिने भएपछि GTAको पर्यटन विभागले पनि टाइगर हिल, रक गार्डन, गङ्गामाया अनि बतासिया पार्क 1 तारिकदेखि सम्पूर्ण रूपले सर्वसाधारणको निम्ति खुल्ला राख्ने निर्णय लिएको। देश में इमरजेंसी लागू होने के 45 साल हुए पूरे, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सत्ता के लालची परिवार ने देश को रातों रात जेल बना दिया था, गरीबों पर अत्याचार हुए थे। इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 45 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि एक परिवार ने सत्ता के लालच में देश को इमरजेंसी में डाल दिया था, रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया था, प्रेस, अदालत और बोलने की आज़ादी को दबा दिया गया था, उस वक्त गरीबों पर अत्याचार हुए थे। शाह ने कहा कि लाखों लोगों की कोशिशों के बाद इमरजेंसी हटी और लोकतंत्र की बहाली हुई थी, लेकिन कांग्रेस का रवैया नहीं बदला। एक परिवार के हित पार्टी और देश हित से भी ऊपर रखे हैं। कांग्रेस में आज भी यही हो रहा है। श्रमिक दंपत्ति का फंदे से लटकता शव बरामद। जलपाईगुड़ी सदर बी ब्लॉक के करलाबेली चाबगन इलाके में एक दंपत्ति का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने उनके घर से दंपत्ति के फंदे से लटकता शव बरामद किया। पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक कृष्णनाथ संजीव मुंडा व उसकी पत्नी राधिका मुंडा के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दंपत्ति का 8 व 10 साल के 2 बच्चे हैं। वे अपने बच्चों के साथ ही रहते थे। दोनों बगान में श्रमिक का काम करते थे। संजीव मुंडा के बेटे ने सबसे पहले अपने माता पिता का फंदे से लटकता शव देखा। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी गई। खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। बस नॉर्मली की हमारे किस काम में बोलते बातें चली की देख लें की जाने देखते रात्रि बेला उन्होंने की हुई थी ना जो सकल बेला बुझते बेला जो नहीं हैंगिंग
ছোটো ছোটো আছে 10 বছর 8 বছর, বলতে পারছি না আমার ভিতরে নিজেদের মধ্যে কী ছিল। মানে শ্রমিক দুজনই শ্রমিক, ওর বাচ্চাদের দেখলো, বাচ্চারা দেখে তারপর ওর দাদাকে দিদাকে ডাকতে গেলো, দেখলো এসে দেখে যে ট্যাঙ্গিং করছে। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 94,46,511 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 51,05,771 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 4,82,238 लोगों की मौतें हो चुकी है। बुधवार को सबसे ज़्यादा 23,791 संक्रमित अमेरिका में बढ़े। दूसरे नंबर पर भारत रहा, यहाँ 16,857 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण के चलते एक दिन में सबसे ज़्यादा मैक्सिको में 793 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 468 मौतें हुई। भारत में 424 संक्रमितों ने दम तोड़ा। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में 1 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। कांग्रेस ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राज्य में कोरोना के वर्तमान हालातों के मुकाबले के लिए स्वास्थ्य परिसेवा उन्नत करने व कोरोना से संबंधित सही जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित सेन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविन्द्रनाथ प्रधान को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के महासचिव पवित्र चंद, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष लियाकत अली समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कोरोना से लेकर सही आंकड़े छिपाने, चिकित्सक समेत स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की मांग की। আমরা দীর্ঘদিন দেখছি আমাদের জেলায় করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু আমরা পরিসংখ্যানগত বুঝতে পারছি না আমাদের জেলায় কত বেড়েছে। বারেবারে লুকানো হচ্ছে জেলায়, প্রথম থেকে শুরুর থেকে আমাদের জেলায় লুকানো হয়েছে এবং কয়জন মারা গেছে তাও আমরা জানি, কিন্তু কোনো প্রমাণ নাই। রাত্রন্ধনের শ্মশানে পুঁতে দেওয়া হয়েছে এটা আমি জানি, কিন্তু যখন কলকাতায় রাজ্যে আসলো কেন্দ্রীয় টিম, তারপর থেকে করোনা আক্রান্ত কত হয়েছে এগুলো আমরা মাঝে মধ্যে পাচ্ছি, তাও সঠিক পাচ্ছি না। আমরা আমাদের জেলায় এই মুহূর্তে 241টা করোনা আক্রান্ত হয়েছে, তা আমার মনে হয় বেশি হয়েছে, কিন্তু এটা বলছে না এবং মারাও গেছে। এই যে লুকানো এবং অনিয়ম এবং দুর্নীতি, আজকে সিওমি সাহেবের দুর্নীতি, মেডিকেল যে দুর্নীতি, সব ব্যাপারে আজকে আমরা সিওমি সাহেবকে ডিপোর্টেশন দিলাম। সিওমি সাহেব অত্যন্ত পরিষেবা উনি বললেন যে মেডিকেল কলেজে কিছু হলে আমার দেখার দায়িত্ব না, কেন ওটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট, আলাদা। আপনি হলো স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টের চিফ আমাদের জেলায়, আমরা কাকে দেবো, আপনাকে কাকে দেবো? আজকে জয়দীপ সাহা যে লেকচার একজন এবং মাইক্রোবায়োলজিস্ট রাজদীপ সাহা, ডাক্তার রাজদীপ সাহা, উনি এখানে পোস্টিং মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উনি সপ্তাহে দুদিন থাকেন এবং 5 দিন থাকে কলকাতায়। এবিবি আনন্দ বসে উনি করোনা কোভিড নিয়ে উনি আলোচনা করেন, আড্ডা দেয়। তারপরে চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের জেলার মানুষরা, যারা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করতে আসে তাদের বঞ্চিত করে আজকে সে এবিবি আনন্দে আজকে কোভিড-19 আড্ডা দিচ্ছে। এবং অধিকাংশ প্রফেসর মেডিকেল কলেজে একই জিনিস আগে ছিল, ভলভো গাড়ি ছিল চলে যেত। এ ব্যাপারে আমরা বহুবার প্রিন্সিপালকে বলেছিলাম যে লকডাউনের সময় ভলভো গাড়ি চলে আসছে, সপ্তাহে 2 দিন চিকিৎসা করে চলে আসছে, বাদ দিয়ে 5 দিন থাকছে না। पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट के बीच 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि आगामी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी है। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े की रोकथाम को लेकर ममता सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि आगामी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा है कि इस दौरान पहले से मिल रही विभिन्न क्षेत्रों में कुछ निश्चित छूटें जारी रहेंगी, लेकिन राज्य में ट्रेन्स और मेट्रो नहीं चलेंगी और ना ही स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया। खेत में खून से लथपथ शव बरामद होने से हड़कंप। मालदा जिले के मोथाबाड़ी थाने की पुलिस ने मक्के के खेत में एक व्यक्ति का हाथ पैर कटा शत विषप्त शव बरामद किया।
बुधवार सुबह मोताबाड़ी थाने की नयाग्राम इलाके के जंगल के बीच व्यक्ति का शत वशत शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक की शनाख्त सज्जाद शेख के रूप में की गई है। वह कालाचक थाने के जोतपरम इलाके का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने मक्के के खेतों में खून से लथपथ उसका शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के दामाद मतीउर रहमान ने पुलिस को बताया कि ससुराल से 1 किलोमीटर दूर नयाग्राम इलाके में उनका मक्का का खेत है। उन्होंने बताया पिछले कुछ दिनों से खेत से मक्के की चोरी हो रही थी, इसी के सिलसिले में वे सुबह खेत में गए थे। उन्होंने बताया कि चोरों को शायद उन्होंने पहचान ली थी, इसी वजह से चोरों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सज्जाद शेख के शरीर पर आघात के कई निशान पाए गए हैं। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। और निजे जमीते गिरेছিল মানে জমিতে ভুট্টা লাগানো হয়েছে ভুট্টা লাগাতে প্রত্যেকদিন ওর ভুট্টা কে কেটে নিচ্ছে ও দেখতে গিয়েছিল সকাল 5টা নাগাদ গিয়ে তোর যে ভুট্টা কাটে তাকে ধরে নিয়েছিল ধরার পরে ও কিছু না দেখতে পেয়ে ওকে কোপিয়ে খুন করা হয়েছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपा। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टैंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोविड-19 के 445 नए मामले सामने, पर एक दिन में 484 लोगों ने कोरोना वायरस को दी मात। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या पहुंची 9000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 445 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15173 हो गई है, जबकि 11 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 591 हो गई है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी है। विभाग के द्वारा बुलेटिन जारी कर कहा गया कि इन सभी 11 मरीजों को अन्य बीमारियां थी। इनमें कहा गया है कि 6 मरीजों की मौत कोलकाता में, 2 हावड़ा में और एक एक मरीज की मौत दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और दार्जिलिंग में हुई है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार को 484 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं, जिससे राज्य में डिस्चार्ज होने वालों की दर सुधर कर 63.94% हो गई है। रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के नजदीक स्थित एक नर्सिंग होम पर चिकित्सा में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। आरोप है कि नर्सिंग होम के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई और प्रसूति महिला की तबीयत काफी खराब हो गई है। महिला के परिवार वालों ने इस घटना के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने रास्ते को बाधित कर दिया। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर पथावरोध समाप्त करवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को रायगंज के डेकलियापाड़ा निवासी सुम्पा रॉय नामक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था और आरोप है कि नर्सिंग होम के चिकित्सकों के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई और महिला की अवस्था काफी नाजुक बनी हुई है। মেডিকেল টাইম অনুযায়ী অপারেশনের টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপারেশন ওনার হয়নি ফার্স্টে, তারপর বললো পেশেন্টটা একটু প্রবলেম আছে, তো সেক্ষেত্রে পার্টিকে সব দিয়ে বঞ্চ হয়ে ডাক্তারবু করিয়ে নিয়েছে। পেশেন্টের একটু সমস্যা ছিল, সে মেডিকেল টাইমটা আমরা বলতে পারবো না, ডাক্তারবু বলতে পারবো ওটা। তখন সেক্ষেত্রে
ডাক্তারও বললো যে পেশেন্টের বাইরে নিয়ে গেলে ভালো হয়। তখন আমি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করলাম তত যথাযথ। তখন ডাক্তারবাবু হয়তো পেশেন্টের বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য হয়তো এখানে ডেলিভারি করেছিল। তো পেশেন্টটা তারপরে অ্যাম্বুলেন্স আসার পর বাটি তো বাইরে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি, তখন একটা ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল। বাকি মেডিকেল টান ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে এখানে আমার ভাগনা বউ তত পরশু দিন যে ডাক্তারের আন্ডারে এখানে ওনার ট্রিটমেন্ট করছিলেন, তো এখানে চেক আপ করাতে এসেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি ওটা ডেট ছিল না, চেক আপ করাতে এসে ডাক্তারবাবু বলছেন অ্যাডমিট করাতে হবে। গত পরশু অ্যাডমিট করেছেন, অ্যাডমিট করার পর কালকে সারাদিন এখানে অ্যাডমিট ছিল, সারাদিন ব্যথায় ছটফট করেছে পেশেন্ট, কোনোরকম স্টেপ নেওয়া হয়নি। পেশেন্ট পার্টি আমরা, যদিও আমি ছিলাম না, এরা সবাই ছিল আমাদের রিলেটিভরা সবাই, তো পেশেন্ট পার্টির শ্বশুর বাড়ির লোক, বাপের বাড়ির লোক সবাই ওরা বারবার করে বলেছে যে ডাক্তারবাবু আপনি কী বলছেন, প্রয়োজনে আপনি সিজার করে নিন। ওনারা বলছে না কিছু করতে হবে না, আপনারা এখান থেকে যান, এখন বিরক্ত করবেন না, পেশেন্ট ভালো আছে। এই বলে এদেরকে কোনোরকম করে ওদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। আলোচনা না করার ফলে সারা রাত গেছে, আজকে সকালবেলা বলছে যে ওটিতে নিতে হবে, পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তখন আটটার দিকে ওটিতে ঢুকিয়েছে। हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। देश में कोरोना के सर्वाधिक 16,922 मामले सामने। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 13,000 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग 17,000 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 13,000 से अधिक लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। देश में कुल 4.73 लाख लोग कोरोना वायरस के मरीज हैं, जिनमें 1.86 लाख एक्टिव केसेस है। वहीं अब तक 14,894 लोगों की मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सर्वाधिक 16,922 मामले सामने आए हैं, जबकि 418 लोगों की मौतें हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,73,105 हो गई है। इनमें से 1,86,514 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 2,71,697 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 14,894 लोगों की जाने जा चुकी है। भयावहक अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। अलीपुरद्वार जिले के अलीपुरद्वार चौराहे के पास एक्सिस बैंक के निकट गुरुवार तड़के सुबह भयावहक अग्निकांड में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच के बाद आकाशीय बिजली गिरने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोगों ने इन दुकानों में आग लगते देख दमकल को खबर दी। अलीपुरद्वार टाउन कमेटी व्यवसाय समिति के महासचिव प्रसन्नजीत डे ने बताया कि आग लगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मिजोरम में फराया भूकंप। पूर्वोत्तर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिजोरम और नागालैंड में आज गुरुवार तड़के भूकंप आने की खबर है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार मिजोरम में तड़के 1:14 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। इसका केंद्र चपाई से 21 किलोमीटर दक्षिण बताया जा रहा है। वहीं नागालैंड में तड़के 3:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र वोखा से 9 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम बताया जा रहा है। मिजोरम में एक हफ्ते में 5वें दिन भूकंप आया है। इससे पहले 18, 21, 22 और 24 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। सोपोर के हर्दशिवा इलाके में आतंकियों के छिपे होने के इनपुट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में इस महीने यहाँ 14वां एनकाउंटर है। अब तक 43 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2 दिन पहले पुलवामा हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए थे। साथ ही बड़गाम में आतंकियों के 5 सहयोगी को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। भारत ने फिर से चीन को दी हिदायत, कहा अपने इलाके में लौट जाओ, इसके अलावा नहीं है कोई विकल्प। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान नदी घाटी में बनी तनावपूर्ण स्थिति में कोई खास बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन दोनों देशों के बीच
बातचीत का क्रम लगातार जारी है। मंगलवार को सैन्य स्तरीय वार्ता हुई थी तो बुधवार को दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहले से की गई एक अन्य व्यवस्था वर्किंग मेकानिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स की बैठक हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में हुई इस बैठक में भी हालत में समाधान की कोई सूरत निकलती नहीं दिखी। बैठक में भारत ने चीन पक्ष के सामने फिर दोहराया कि चीनी सैनिकों को अपने क्षेत्र में लौटने के अलावा शांति स्थापित करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। भारत ने 15 जून को हुए हिंसक झड़प को लेकर भी अपनी गहरा चिंता व्यक्त की। बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।